kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamik Vidyalaya. We have revises the chapter number 1 and chapter number 2. Today we will revise chapter number 3, our sense organ. Yes, our sense organ is the very important chapter of our EVS subject. As how many sensory organ do we have? Yes, we have 5 sense organ. Which are they? Eyes, sense of vision, ears, sense of sound, nose, sense of smell, tongue, sense of taste, skin, sense of touch. ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. ये सब हमें क्या करते हैं, हमें सेंस करने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे कि अगर अभी मम्मी ने आपको मारा ऐसे करके, तो आपको कहाँ लगेगा, स्किन पे फील हुआ. फिर आपको अगर पिक्चर देखना है या फिर कुछ अच्छी चीज़ देखनी है, तो हम कहाँ देखेंगे, हम हमारी आईज से देखेंगे. मम्मी जब अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तब हम टंग से टेस्ट करते हैं ना. ये सब हमने देखा था ना आपके चैप्टर में. अगर आपको ना समझ में आया, तो आप वापस से एक बार टीचर का वीडियो देख लेना, है ना. फिर हमने साथ में ये भी सीखा था कि हमें हमारी ये सेंस ऑर्गन को कैसे क्लीन रखना है ना. जैसे कैसे क्लीन रखोगे, जैसे कि हमारे ईयर को ईयरबड से क्लीन करना है. फिर सर्दी आती है, तब आपको नोज़ी क्लीन करना है ना. फिर हमें हमारी आँखें को बार बार वॉश करते रहना है. फिर हमें रोज़ बात करना है, और हमें भगवान को थैंक यू भी बोलना है कि भगवान आपने हमें सब कुछ, हाथ पैर आँख नाक सेंस करने का सब कुछ दिया है, वो भी हमें थैंक यू बोलना है. वन मोर थिंग, हमें और क्या क्या दिया है भगवान ने, हमें 2 आईज दी है, 2 ईयर्स दिए है, फिर 1 नोज़ है और 1 टंग है ना. और जो स्किन है हमारी, वो पूरी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है ना. फिर हमने ये एक्टिविटीज़ की थी हमारी बुक में, है ना. सी राइट, एंड वी हैव आल्सो रिटर्न द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आंसर द फॉलोइंग विद मैथ द फॉलोइंग. ये सब हमने किया था, है ना. सो डू द प्रैक्टिस वेल एंड रिवाइज इट प्रॉपरली. फिर हमने, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो वर्ड्स है वो कहाँ यूज़ आएंगे, आपको फाइंड द वर्ड में यूज़ आएंगे. कहाँ पे यूज़ आएंगे, फाइंड द वर्ड्स में, है ना. उसमें हम जब पजल टीचर ने बनाया होगा, उसमें आपको फाइंड करने में मज़ा आएगा, है ना. फिर और हमने क्या किया था, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की थी, ट्रू और फॉल्स किए थे, है ना. आंसर द फॉलोइंग किया था. आपको ये सब चीज़ें स्टडी करनी है. फिर मैच द फॉलोइंग किया था, देखो पिक्चर के साथ. ये सब मैच द फॉलोइंग को मिक्स करके टीचर आपको कुछ ना कुछ पूछेगी, है ना. सो रिवाइज इट प्रॉपरली. इजी पेपर निकाला है, डोंट वरी. थोड़ा सा स्टडी करना इजी ही है, आ जाएगा. ओके ओके देन, बाय बाय. वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. सी यू, हैव अ नाइस डे.